हेलो गाइस, इट्स आकाश उमेदे एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग इन माय चैनल। तो आज है 18 जनवरी और हम लोग का एक नया व्लॉग शुरू हो चुका है। आज हम लोग जा रहे हैं मिनी कश्मीर इन पुरुलिया, आपको दिखाएंगे सब कुछ। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग को समझ ही आ गया है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं इस साइड है एक पहाड़, रुके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ये देख सकते हैं इधर है पहाड़। तो अभी हम लोग जो पहाड़ में जाएंगे वो पहाड़ का नाम सेवती पहाड़, वहाँ पे मतलब एक मंदिर भी है, सेवती माँ का मंदिर, मतलब पहाड़ी माँ का एक मंदिर। ट्रेन जा रहा है, रुकी ट्रेन को जाना देते हैं, देख सकते हैं ट्रेन जा रहा है, इसके बाद बात करते हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि अभी हम लोग जाएंगे उस पहाड़ में, उस पहाड़ का नाम है सेवती पहाड़, हम लोग के घर से उस 65 किलोमीटर दूर है। और ये देख सकते हैं मेरे इस साइड और एक पहाड़ है, उसकी आप लोग दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इस साइड और एक पहाड़ है। तो ये पहाड़ के बाद आता है वो वाला पहाड़, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर एक माता का मतलब टेम्पल भी है, वो माँ का नाम है सेवती माँ। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, उस मंदिर में भी जाएंगे। साल में खाली एक दिन मतलब वहाँ पे लोग आते हैं, वो मतलब झारखंड से भी आते हैं, फिर बंगाल से भी आते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ के जो माँ है तो वो मतलब बहुत ही जागृत है, मतलब हर कोई का मतलब सपना वहाँ पे जाके पूर्ण हो जाता है, मतलब जो भी चाहते हैं तो वो अगर वो माँ के सामने जाके चाहते हैं तो वो सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो मैं सोचा कि मेरा भी चैनल में भी 2 के सब्सक्राइबर होने का है, इसलिए मैं भी वहाँ पे जाता हूँ माता मंदिर में। अच्छा, एक शुभ काम से मतलब 2K का शुरुआत करता हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है, ऑल्दो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे पापा पहले भी वहाँ पे जा चुके हैं, तो वो बोले कि बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है, तुम वहाँ पे जाके व्लॉगिंग कर सकते हो। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, बाइक से जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मेरे पापा बोले कि उस जगह में कार हम लोग नहीं उठा सकते, मतलब इतना स्टीफ है कि हमको बाइक में जाना पड़ेगा, और बाइक भी वहाँ पे मतलब फर्स्ट गियर में जाएगा। तो बहुत ही अच्छा जगह है, आपको दिखाते हैं सब कुछ, मिनी कश्मीर टाइप का, बहुत ज्यादा फॉल्स, मतलब बहुत कुछ है वहाँ पे। तो आप लोग देखते रहेगा व्लॉग को, व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। तो अभी हम लोग आधा रास्ता आ चुके हैं, तो यहाँ पे खाली जगह मिला, और इस साइड पहाड़ का एक अच्छा सीन, ये देखिए यहाँ पे है पहाड़। तो मैं सोचा कि यहीं पे व्लॉग का स्टार्टिंग कर लेता हूँ, तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन दिस जर्नी। Later. आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं माता मंदिर पे, पीछे यहाँ पे है माता का मूर्ति, यहाँ पे मंदिर नहीं बना हुआ, इस टाइप का खाली है, ये देखिए। तब हम लोग का टाइम लगा 1 आवर समथिंग, एंड डोंट लुक एट माय मेसी हेयर्स, क्योंकि हवा से पूरा खराब हो गया है एकदम बाल। तो बस ये आप लोग को दिखाना था, पीछे देखिए पूरा पहाड़ बहुत ही ज्यादा स्टीप है, बाइक हमारा फर्स्ट गियर में भी नहीं उठ रहा, इतना ज्यादा स्टीप है, ये देखिए पीछे पूरा पहाड़, सब लोग हमें देख रहे हैं। ऑल द वे DSLR नहीं निकाला, एकदम सुनसान जगह है, इसलिए मैं फ़ोन से कर रहा हूँ। और नीचे एक फॉल्स टाइप का है झरना, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, ये देख लीजिए। और इधर है माता का मंदिर, आपको अच्छी तरीके से दिखा दे रहा हूँ, देखिए। तो गाइज, मैं जो आप लोग बोल रहा था कि साल में खाली एक दिन ही माता का यहाँ पे पूजा होता है, जो झारखंड से भी लोग आते हैं, फिर बंगाल से भी लोग आते हैं, तो वो कल ही हुआ था, मतलब कल या फिर परसों, वैसा कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कल हुआ था, कुछ लोग बोल रहे हैं मकर संक्रांति के दिन हुआ था, मतलब उस समय मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है, बहुत सारा लोग आते हैं। अभी आप लोग देख सकते एकदम सुनसान जगह, उस टाइम पूरा एकदम भरा हुआ रहता है, मतलब इतना ज्यादा लोग आते हैं। तो हम लोग का बैड लक, हम लोग को नहीं पता चला, हम लोग एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए। तो बस ये देख लीजिए माँ का मंदिर, तो अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पे झरना है उधर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं सब कुछ, देखते रहेगा व्लॉग को। देख
देख सकते हैं इस साइड झरना, पूरा झरना है इस साइड और इस साइड है पहाड़। ये देखिए, तो झरना का एक खासियत है कि यहाँ का जो पानी है ये मतलब 12 महीना ही आता है, और ये पानी आ रहा है राजरप पर, मतलब छिन्ना मस्तर टेम्पल से। जो लोग मतलब झारखंड से या फिर बंगाल से होंगे उन लोग को जरूर से पता होगा ये, और जो लोग को नहीं पता उन लोग के लिए बता दिया। तो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर झरना के इस साइड, आप लोग को भी दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा सीन आ रहा है इधर, आप लोग को दिखाते हैं। इधर है मंदिर बजरंग बली का, ये देखिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मेरा 2K सब्सक्राइबर होने को है, इसलिए सोचा कि कुछ अच्छा काम से मतलब शुरुआत करते हैं। 1K सेलिब्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, अब सोचते हैं 2K में कुछ इस टाइप का अच्छा जगह पे आके फिर सब कुछ शुरुआत करते हैं। तो वह झरना के इधर हम आ ही चुके हैं, ये देख सकते हैं पूरा पहाड़ है फिर झरना। तो यही सब आप लोग को दिखाने के लिए हम लोग इतना दूर आए, आप लोग को अच्छी तरह आप लोग को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये है पूरा झरना, देख सकते हैं आप लोग। और इधर हुआ है, इधर देख सकते हैं, इधर हुआ है कल था टुसू पर्व, तो उसका हुआ विसर्जन हुआ है कल, इसलिए यहाँ पे ये सब कुछ है विसर्जित किया गया, जो कि मैं आप लोग को ब्लॉग बना के दिखा भी चुका हूँ मकर संक्रांति का। तो बस यह है पूरा पहाड़, बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पर है एक बजरंगबली का मूर्ति, पूरा पहाड़। तो बस दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे घूमना है तो आपको गूगल मैप्स में सर्च करना पड़ेगा सेवती हिल, ACWATIHILL, या नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं सेवती माता, SEWATIMATA, तो आप मिल जाएगा ये वाला जगह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो बस यही आप लोग को दिखाना था पूरा झरना, और भी बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा सीन है, अगर हमको मिला तो आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे, नहीं तो हम अभी यहाँ से जाएंगे कोई होटल पर, वहाँ पर खाना वाना खा के फिर जाएंगे घर, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है हमारा 1:35, मतलब बहुत ही ज़्यादा देर हो गया है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग देखते रहेंगे इस इंटरेस्टिंग व्लॉग को। 20 minutes later. सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी जा रहे हैं, और हमारा बाइक फर्स्ट गियर पे ही चल रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं हमारा बाइक फर्स्ट गियर में ही चल रहा है, सेकेंड गियर भी नहीं ले रहा, इतना ज़्यादा स्टीप है, तो यहाँ पे तो बाहर से आने का कोई चांस ही नहीं है। जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है, लेकिन आपको बाइक से आना पड़ेगा, कार यहाँ पे चढ़ेगा ही नहीं, देख सकते हैं इतना ज़्यादा स्टीप है। तो चलिए अब बाइक में रुकते हैं। सो एज यू गाइस कैन सी, नाउ आई एम बैक टू माय होम। तो अभी टाइम हो रहा है हमारा 4:45, मतलब हमें वहाँ से घर आने में टाइम लगे 3 घंटे के आसपास, हम वहाँ से निकले थे 2 बजे और अभी टाइम हो रहा है 4:45, मतलब वैसा ही कुछ टाइम लगा हमें घर आने में। तो वो जगह मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह, आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, अगर आप लोग एडवेंचर करने का मन हुआ है या फिर आप लोग को माउंटेन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। हमारे घर से वो एग्जैक्ट 67 किलोमीटर दूर है, और हम लोग को टाइम लगा 3 घंटे के आसपास, और वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर कि आपको बाइक से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कार ले जाने का कोई चांस ही नहीं है। बाइक भी हमारा फर्स्ट गियर पे चल रहा है, वो भी मतलब बहुत ही फुल एक्सेलेटर में, बहुत ही ज्यादा स्टीफ है वो वाला पहाड़, तो आपको बाइक से जाना पड़ेगा। और अगर आप कार से जाना चाहते हैं तो आपको अपना कार कहीं दूर पे पहाड़ के नीचे आपको पार्क करके फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा पूरा चढ़ के, उसमें आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्रेफर करूंगा कि आप बाइक से जाएं। बाइक से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आप लोग पूरा पहाड़ घूम सकते हैं। और तो मैं आपको कल वो माता का मंदिर दिखाया और छोटा सा झरना दिखाया जो कि हमारा राजरप्पा से आ रहा है छिन्ना मस्ता से, वो मैं आप लोग को दिखाया। बाकी ऐसा नेचुरल जगह बहुत ही है जो कि मैं थंबनेल में भी लिखा हूँ मिनी कश्मीर, तो मतलब वहाँ पे मतलब पेड़ है, मतलब पूरा एकदम स्टीप पूरा नीचे है, मतलब उस टाइप का आपको लगेगा। एंड टुडे आई वाज नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू व्लॉग, फिर मैं सोचा कि नहीं एक अच्छा जगह में जा रहा हूँ, पूरा एकदम पहाड़ वहाड़ है, तो एक व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ।
और वो पहाड़ जो सेफ्टी पहाड़ है उसका खाली मैं ही एक हूँ जो मतलब यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो डाल रहा है। उस पहाड़ के मतलब अभी भी कोई भी एक भी वीडियो नहीं बना है, खाली मैं फर्स्ट हूँ जो उस पहाड़ के बारे में वीडियो दे रहा है, मतलब सब कुछ भी बता रहा है। मेरा वीडियो फर्स्ट में आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं सेवती पहाड़ लिख के, आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, खाली मेरा ही वीडियो एकमात्र मिलेगा फर्स्ट में टॉप पे। एंड वेरी सून आई विल गो फॉर अ वाइड एंगल लेंस, क्योंकि मैं अभी जो लेंस यूज कर रहा हूँ ये 1855 देख सकते हैं 1855, तो इसमें आपको ज़्यादा वाइड नहीं मिलता। और मैं जो लेंस लेने वाला हूँ वो है आपका 1080, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइड होगा। मैं वो वाला कैनन का 1080 में लूंगा या फिर सिग्मा का एक आता है जो कि है 1022 या वैसा कुछ, तो मैं शायद वो वाला लूंगा। तो बहुत ही जल्दी मैं वो लेंस का ऑर्डर दे दूंगा, तो आपको सब कुछ वाइड वाइड दिखेगा। मतलब अभी जो आपको दिख रहा है इससे भी आपका 8mm तक वाइड हो जाएगा, मतलब समझ सकते हैं मेरा पूरा रूम आपको दिखेगा, मतलब इतना ज़्यादा वाइड हो जाएगा फिर। तो वेरी सून आई विल गो फॉर इट। तो बस दोस्तों व्लॉग को बस यहीं पे एंड कर देते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। और मेरा 2K होने में अभी 50 सब्स बाकी है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरा 2K भी बहुत ही जल्द हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि 2K होने को है इसलिए कुछ एक अच्छा जगह पे जाकर माता का दर्शन करके शुरुआत करते हैं। तो बस दोस्तों बाय बाय फॉर टुडे, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।